क्या सलमान खान को करोड़ों का नुकसान होने लगा है? क्या सलमान खान अब फिल्मों की संख्या घटा देंगे? इस वीडियो में आपको बताएंगे सलमान से जुड़ी यही डिटेल। सलमान खान को धमकी मिली, उनके घर फायरिंग हुई और उनके दोस्त का मर्डर हो गया। इससे सलमान के बिजनेस कमिटमेंट पर असर पड़ना स्टार्ट हो गया है। नतीजा ये है कि सलमान ने पैसों के तौर पर घाटा उठाना शुरू कर दिया है। ये घाटा मूवी से भी जुड़ा है और दूसरे बिजनेस को लेकर भी है। आमतौर पर सलमान जिस शूटिंग या फिर प्रोजेक्ट को 5 दिनों में पूरा करते थे, अब उसे कम्प्लीट करने में सलमान को ज्यादा टाइम लगेगा। इस प्रोजेक्ट के सलमान को पैसे उतने ही मिलेंगे जितना की उनकी फीस है, यानी ज्यादा टाइम और रकम सेम। सिकंदर इसका लेटेस्ट एग्जांपल है। इस हिसाब से देखा जाए तो सलमान खान फिल्में कम ड्यूरेशन में निपटा पाएंगे और फिर उनका प्रमोशन उस हिसाब से नहीं होगा जैसा कि अब तक सलमान करते आए हैं। सलमान से लोग कम मिलेंगे तो जाहिर है बिजनेस की डील भी कम होगी और फिर इससे उनका रेवेन्यू लॉस होगा, यानी सलमान खान फिल्मों को लेकर बहुत लंबी बातचीत नहीं कर पाएंगे, कई अलग अलग मुलाकातें नहीं हो पाएंगी, सिर्फ लिमिटेड फिल्मों को लेकर ही सलमान सीरियस रहेंगे। सलमान खान ने कई ब्रांड को प्रमोशन के लिए मना कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है सलमान को यहाँ पैसों का मोह छोड़ना पड़ रहा है। अगर उनके आगे पीछे इतनी मुसीबत नहीं होती तो शायद सलमान खान पहले की तरह काम करते और उनकी इनकम में भी नॉन स्टॉप इजाफा होता। सलमान जिस तरह विज्ञापन के जरिए पैसा कमाते थे वो कम हो जाएगा। माना जा रहा है कि कई कंपनियां सलमान खान से बहुत सोच समझकर हाथ आगे बढ़ा रही हैं। वो इसलिए डरी हुई हैं कि अगर सलमान से कांटेक्ट करेंगे तो उनके ब्रांड को खतरा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है सलमान के दुश्मन उन्हें टारगेट न करने लगे। ऐसा होने पर विज्ञापन सलमान के हाथ से चले जाएंगे। सलमान के पास अब तक कई मूवी के ऑफर बताए जा रहे थे, लेकिन अब जिस तरह शूटिंग सेट पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और क्रू मेंबर्स की संख्या लिमिटेड कर दी गई है, उससे जाहिर है सलमान के लिए टेंशन बढ़ रही है। सलमान अब सीक्रेट लोकेशन पर ही शूटिंग करेंगे तो फिर सीन में वैरायटी कम होने के भी चांस हैं और फिर इसका असर मूवी की क्वालिटी के साथ साथ कलेक्शन पर भी पड़ेगा। फिल्में कम होंगी तो सलमान खान का करियर ऐसे दौर में पहुंच जाएगा जहां वो चुनिंदा काम ही कर पाएंगे, इससे उनकी फीस की स्पीड भी नहीं बढ़ पाएगी। सलमान खान के साथ काम करने वाले लोगों की संख्या में कमी आती जाएगी। एक ऐसा डर सलमान के आसपास के लोगों में बैठ सकता है जहां हर सेकंड खतरा है। कहने के लिए सलमान का दायरा सीमित हो जाएगा, लेकिन नए लोगों से कनेक्शन नहीं बनने का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या वाकई सलमान खान को इकोनॉमी लॉस होना शुरू हो गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।